पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता को सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के बाद एक हफ्ते पहले मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को पार्टी ऑफिस चंडीगढ़ सेक्टर 28 में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद उनके पैतृक गाँव में बादल का अंतिम संस्कार होगा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। वहीं अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चंडीगढ़ पहुंचेंगे। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम मोदी ने लिखा कि प्रकाश सिंह बादल के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूं। वह भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे और एक उल्लेखनीय राजनेता भी थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी बादल के निधन पर दुख प्रकट किया है। इस दुख की घड़ी में पंजाब के सीएम मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई बड़े नेताओं ने भी शोक जताया। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इसके अलावा यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। बता दें कि 8 दिसंबर 1927 को श्री मुक्तसर साहिब के गांव बादल में उनका जन्म हुआ था। गांव के सरपंच से उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने लगातार 11 चुनाव भी जीते। पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव में वह अपनी सीट लंबी से चुनाव हार गए थे। इसके बाद से वे सियासी तौर पर ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ रही है। वहीं सभी अपनी संवेदनाएं प्रकट कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस दुखी घड़ी में सच कहूं भी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक प्रकट करता है और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।